नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम यहाँ पे ये फैन के लिए हुक लगा रहे हैं। ये फास्टनर है, ये 10 mm थिकनेस है इसका, और ये बॉटम में पिन आती है, तो 3 inch लेंथ है इसकी। तो जो बॉटम की पिन है उसको प्रेस करने के बाद ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अंदर जाके ऐसा फूल जाता है। 2 फास्टनर है इसके लिए और 1 हुक है। ड्रिल मशीन पे हमने 10 mm का बिट लगाया है, तो उस बिट पे फास्टनर के लेंथ है उसी हिसाब से मार्किंग किया है, तो उतना ही होल बनाने का है। और होल बनाते समय ये स्ट्रेट बनाने का है पहले, मतलब क्रॉस नहीं जाना चाहिए। और ये जो होल बनाया है उसको साफ करके लेना है पूरा। और ये एंकर ग्राउट है, इसमें हार्डनर और बेस आता है, हम इसको रिबारिंग में भी यूज़ करते हैं। इस ग्राउट को अच्छे से मिक्स करना है और इस ग्राउट को इस तरह से ये भरना है। तो हमारा फास्टनर जो है वो टाइट फिट हो जाएगा और उसके बाद ये हुक लगा के हम ये फास्टनर डाल रहे हैं अंदर। स्लैब में ही हुक निकालना अच्छा है, लेकिन POP करते समय ये फैन का सेंटर इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए ये फास्टनर लगाना पड़ता है। और इसी तरह से ये फास्टनर पूरा अंदर डालना है नट निकाल के, और बाद में ये जो नट है उसको टाइट करना है। और ये बॉटम की जो पिन है उसको फास्टनर लेवल तक प्रेस करना है, तभी अंदर वाला जो पोर्शन है वो पूरा खुल जाएगा। तो ये जो फास्टनर है वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए या अच्छे कंपनी का होना चाहिए, नहीं तो ये फास्टनर ख़राब हो जाता है। हमारे यहाँ पे ज्योति कंपनी का फास्टनर अच्छा है। और इसी तरह से ये दूसरा फास्टनर लगाना। तो आप इसको वायरमैन से भी लगा सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट कोई भी जो रिबारिंग का काम करते हैं उनसे भी लगा सकते हैं। इसका ज़्यादा खर्चा नहीं आता, ये 60-70 रुपये में फास्टनर और ये हुक मिल जाता है एक जोड़ी, और लगाने में 100 रुपये का ऐसा 200-250 तक खर्चा आता है इसका। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।